हाँ तो भाई कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? चलिए, तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, कल जो हमने पढ़ा था वो कायिक जनन पढ़ा था, ठीक है। अलैंगिक जनन की एक लास्ट विधि को कल हमने पढ़ा था, जिसको हम बोल के चलते हैं कायिक जनन, ठीक है। तो आपके सिलेबस में जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो तो कल तक का है, जो मैंने कल तक पढ़ा है वो। कहने का मतलब जो प्राकृतिक कायिक जनन था, जिसमें हमने जड़ों के द्वारा, तनों के द्वारा, पत्ती के द्वारा और जननांगों के द्वारा जो कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन देखा था, वही तुम्हारे लिए बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। अब वो सिलेबस से थोड़ा हटकर मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता देना चाहता हूँ कि प्लांटों में कृत्रिम कायिक जनन की कौन कौन सी विधियां हैं। एक छोटे से रूप में हम समझते हैं केवल फोर नॉलेज, ज्यादा डीपली यहाँ मैं आपको नहीं बताऊंगा इसको, ठीक है, क्योंकि वैसे तो बहुत ज्यादा डीपली है ना, पर हमारे ज्यादा मतलब की बात नहीं है, तो बिल्कुल हम इसको इजीली लेके चलेंगे, ठीक है। एक बार आप समझते चलिए, केवल देखिए, यदि मैं कृत्रिम कायिक जनन की बात करूं तो कृत्रिम कायिक जनन तीन विधियों से होता है। एक तो होता है कर्तन, एक होता है दाब लगाना और एक होता है रोपण, ठीक है, रोपण। ये तीन ऐसी विधि है जिनसे आप कृत्रिम कायिक जनन कर सकते हैं किसी भी प्लांट, कृत्रिम कायिक जनन। अच्छा, आर्टिफिशियल जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, आर्टिफिशियल माने कृत्रिम बोलते हैं, ठीक है। कृत्रिम कायिक जनन का सीधा सा मतलब आप ये समझो कि ये जो जनन है वो हम व्यक्तियों के द्वारा करवाया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, कर्तन, कर्तन को हम इंग्लिश में कटिंग बोलते हैं, कटिंग कट करना है ना, तो सीधी सी बात हो गई, कर्तन माने होता है काटना, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात हो गई, यदि हम किसी प्लांट को काट कर नया प्लांट बनाए तो वो कर्तन विधि हो सकती है, ठीक है। अब ये कर्तन दो प्रकार की होती है, या तो आप स्तंभ को काटो तो आप इसको बोलेंगे स्तंभ कर्तन, या आप इस जड़ को काटो तो आप इसको बोलेंगे जड़ कर्तन या मूल कर्तन, मूल कर्तन, ठीक है। एक बहुत सिंपल सा फिनोमेना है, ध्यान से सुनिए। कृत्रिम कायिक जनन की पहली विधि है जिसका नाम है कर्तन, ठीक है। अब ये जो कर्तन है वो दो प्रकार का है, एक तो स्तंभ कर्तन और एक मूल कर्तन या जड़ कर्तन, ठीक है। तो स्तंभ कर्तन क्या है, यदि आप किसी प्लांट के तने को काटकर जमीन में बोए और उससे नया प्लांट बने तो वो स्तंभ कर्तन, एक सिंपल सी बात है। जैसे इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो इसका एग्जाम्पल गन्ना, गुलाब, आपकी मेहंदी वगैरह भी होती है, मेहंदी का पौधा देखा है, मेहंदी मेहंदी ऐसा गाना सुनते हैं वो ना, हाँ चलिए। तो स्तंभ कर्तन है ना, स्तंभ कर्तन का सीधा सा क्या मतलब हुआ कि यदि हम, क्योंकि इसमें खुद मनुष्य काट रहा है ना तने को, जैसे गुलाब का पौधा है, तो गुलाब के पौधे की आप एक तने को काटिए और उस तने को आप जमीन में लगाइए, आप मुझे खुद बताओ क्या ये ऐसी घटना प्रकृति में खुद थोड़ी हो रही है। मतलब गुलाब का पौधा अपने तने के द्वारा नया पौधा खुद थोड़े बना रहा है, हम बनवा रहे हैं, हम उसके तने को काटते जमीन में बोते और नया प्लांट बनवाते। तो बताइए आर्टिफिशियल हुआ कि नहीं हुआ, और निर्माण किससे हो रहा है, तने से। और मैंने कहा था यदि प्लांट के जड़ से, तना से या पत्ती से कोई नया प्लांट बने तो आप उसको कायिक जनन कहते हैं। तो ये कृत्रिम कायिक जनन होगा कि नहीं होगा ना, तो गन्ना गुलाब का मतलब समझ में आ गया। चलिए, अंगूर है, मेहंदी है ना, इन सभी में अब सिंपल हो गया है। तो मूल कर्तन, अब मूल कर्तन का मतलब यह है कि यदि आप किसी प्लांट की जड़ को काटें और जड़ को काट कर जमीन में बोए आप खुद उससे नया प्लांट, तो इसके मोस्ट वन जो एग्जांपल है जैसे सेब है, चेरी है, सेब चेरी, इनके जो प्लांट है, मैं आपसे ये कहूं
कि आप सेब पौधा जो होता है उसकी जड़ को काटें और उसको अनुकूल परिस्थितियों में लगाएं तो वो सेब नया प्लांट बन जाएगा, लेकिन उसके तने से नहीं लगेगा। समझो आप मेरी बात को, सेब पौधा है उसके तने को काट कर बोएंगे तो प्लांट नहीं बनेगा, लेकिन उसकी जड़ को काट कर लगाएंगे तो प्लांट हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें कौन सा कर्तन है? मूल कर्तन। तो ये बात समझ में आ गई। सेकंड है दाब। दाब लगाना में मैं आपको दो विधि बताऊंगा इंपॉर्टेंट, एक तो है टीला दाब और एक है गुट्टी दाब। आपको समझना है, केवल कोई एग्जाम में इनसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है, फोर नॉलेज में आपको बता रहा हूं। ठीक है, टीला दाब और गुट्टी दाब बहुत सिंपल सी थ्योरी है। देखिए, एक मोगरा का प्लांट है, मोगरा, ठीक है भाई, ये कोई मोगरा का प्लांट है, ठीक है, मोगरा का प्लांट है। तो मोगरा के प्लांट की जो निचली ब्रांच होती है, ये निचली शाखा है मोगरा के प्लांट की, और ये जमीन है, ये क्या है? पूरी जमीन। तो आप इस निचली शाखा को ऐसे झुका दें और इसको ऐसे, इसका थोड़ा भाग ऊपर रहना चाहिए, सिस्टम ये होना चाहिए कि आप इस निचली शाखा को झुकाएंगे, आप झुका सकते हैं ना, है ना, झुकाते कई बार हम, तो निचली शाखा को झुकाएंगे और यहां इसको जमीन में बांध देंगे, सॉरी दाब देंगे। शर्त ये होती है कि आप इस शाखा के जिस भाग को जमीन में दबाते हैं वहां कोई ना कोई पर्व संधि होनी चाहिए। अब पर्व संधि मैं आपको बता चुका हूं कि पर्व संधि एक ऐसा स्थान होता है प्लांट में जहां से कोई उस प्लांट की संरचना निकल सकती है, तो है ना। अब ये भाग आपने दाब दिया, आप इस पर मिट्टी डाल दीजिए, मिट्टी, और एक ऐसा टीला बना दीजिए, ठीक है, इसमें आप पानी दीजिए। अब कुछ समय बाद क्या होगा, इस स्थान से एक नई कलिका निकलेगी, नई कलिका आप इसको काट कर अलग कर दीजिए, ये नया प्लांट बन जाएगा। तो ये टीला दाब विधि हुई, ठीक है, टीला दाब। गुट्टी दाब विधि क्या होती है, मैं आपको बता दूं कि गुट्टी दाब विधि बड़े वृक्षों में की जाती है। बड़े वृक्ष, जैसे आप जितने भी बड़े बड़े वृक्ष देखते हैं ना, आप इनमें किसी में भी गुट्टी दाब विधि कर सकते हैं ना, जिसको हम एयर लेयरिंग बोलते हैं, इंग्लिश में इसको माउंड लेयरिंग कहा जाता है टीला दाब को, और उसको एयर लेयरिंग कहा जाता है गुट्टी दाब को, ना समझो गुट्टी दाब क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग है, ये कोई प्लांट है, बहुत बड़ा प्लांट है, ये इसकी ब्रांच है, ठीक है भाई, ये मोटी ब्रांच है इसकी, समझ पा रहे आप, है ना, ये मोटी ब्रांच है किसी भी प्लांट की, ये दो मोटी ब्रांच है ना। तो क्या करते हैं भाई, मोटी मोटी ब्रांच होती है ना अपने और पास के जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं ना, इनमें भी हम गुट्टी दाब विधि से काई की जनन करवा सकते हैं। देखो कैसे करते हैं, ये बड़ी ब्रांच है, आप इस बड़ी ब्रांच की छाल को राउंड शेप में हटा सकते हैं ना, बताओ हटा सकते नहीं हटा सकते, हटा सकते ना। जैसे देखो ये कोई बड़ी ब्रांच है ये वाली, अगर मैं इसको ऐसे 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 कर दूं ना, ऐसे राउंड राउंड इसके कवर को मैं हटा दूं, तो बीच में से ये गोल संरचना बन जाएगी ना, बनेगी नहीं बनेगी, है ना। तो ऐसे इसकी छाल हटा दी आपने, फिर आप इस पर क्या करते हैं, या तो आप इस पर कपड़ा बांधो या रुई बांधो, ठीक है, रुई कपड़ा वगैरह जो भी है ये हमने इसे बांध दिया। अब इस संरचना को मैं गुट्टी बोलूंगा, जो बंधी हुई संरचना है ना इसको हम गुट्टी बोलते हैं, गुट्टी, ठीक है। अब क्या होता है, ऊपरी जो ब्रांच है इस पे आप एक मटका लटका दो, मटका जाने लगा वो मटका है, मटका लटका दिया, मटके में पानी भरा हुआ है। अच्छा करना आपको क्या है, सुनिए, इस मटके में नीचे की तरफ एक छिद्र कर देंगे, है ना, और एक जो सूतली जिसको बोला जाता है, कोई धागा उसमें आप ऊपर गांठ लगाइए, ऊपर आप गांठ लगा देंगे और उस मटके में से ऐसे निकालेंगे और उस धागे को आप इस गुट्टी से बांध देंगे, ठीक है। जब आप इस मटके में पानी डालेंगे तो बताइए जो पानी है वो धागे की सहायता से रिस रिस कर इसके पास नहीं जाएगा क्या,
अब जब इसके पास पानी जाएगा तो इसको अनुकूल परिस्थिति मिलेगी ब्रांच को, और यहीं से एक नई अपस्थानिक कलका निकलेगी और एक नया प्लांट बन जाएगा। आप इस शाखा को काट कर उसे जमीन में बो दीजिए, नया प्लांट बन जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये गुट्टी दाब है ऐसे भाई, ना समझ गए दाब विधि को। आगे चले, नेक्स्ट है रोपण। अच्छा रोपण में आपको बता दूं, मैं कई बार आपसे कहता रहता हूं कि बायोलॉजी की अधिकांश हेडिंग आपको बताती रहती है कि मैं कौन, ठीक है। रोपण ऐसा लगता है ना जैसे आरोपण, किसी के ऊपर थोपना, है ना, मेरे ऊपर रोप दिया ऐसे बोलते हैं ना, तो ये वही रोपण है जिसको इंग्लिश में आप ग्राफ्टिंग कहते हैं ना। रोपण विधि क्या है, मैं सिंपल सी आपको बात बता दूं कि एक निम्न क्वालिटी का पौधा होता है और एक उच्च क्वालिटी का पौधा होता है। और निम्न उच्च क्वालिटी से मतलब एक ऐसा, अब जैसे हम अपने यहाँ का एग्जांपल लेके चले, जैसे हमारे यहाँ जो पानी है वो थोड़ा खारा पानी होता है, मतलब अच्छा ज्यादा सूटेबल पानी नहीं है फसलों के लिए या फलदार पौधों के लिए, ठीक है। तो हमारे यहाँ का जो पौधा है वो तो निम्न क्वालिटी का है। अब मान लीजिए कोई ऐसा पौधा है जिसमें बहुत ज्यादा फल लगते हैं और हमारे यहाँ का वही सेम पौधा ऐसा है उसमें कम फल लगते हैं, तो निम्न क्वालिटी का पौधा तो हमारे यहाँ का है जिसमें कम फल लग रहे हैं और उच्च क्वालिटी का पौधा वो है जिसमें ज्यादा फल लग रहे हैं, है ना। लेकिन जो निम्न क्वालिटी का पौधा है हमारे यहाँ का, वो तो हमारे वातावरण में जीवित रह रहा है ना ढंग से, है ना। और जो हाई क्वालिटी का पौधा है उसके लिए ज्यादा अच्छा मीठा पानी या जमीन चाहिए, तो वो यहाँ पर खुद जीवित नहीं रहता। तो हमने क्या किया, हम क्या करते हैं कि उस उच्च क्वालिटी वाले पौधे को हम हमारे यहाँ के निम्न क्वालिटी वाले पौधे के ऊपर लगा देते हैं जिससे वो प्लांट ग्रोथ करने लग जाता है। एक एग्जांपल से समझो, देखो सुनो, ये कोई प्लांट है हमारे यहाँ का लोकल प्लांट है, लोकल प्लांट है, ये निम्न क्वालिटी का पौधा है। तो हम क्या करते हैं, अच्छा ये जमीन में उगा हुआ है तो इसको पूरे न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं इस प्लांट को काट दिया, हमने पौधे को काट दिया। तो इस निम्न क्वालिटी वाला जो पौधा है उसके कटे हुए भाग को तो हम स्कंद कहते हैं, जो अभी भी जड़ सहित है मिट्टी के अंदर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस प्लांट के ऊपर एक हाई क्वालिटी का पौधा जोड़ना है। तो हाई क्वालिटी का जो पौधा होता है ना हम उसे कहते हैं कलम, क्या बोलते हैं कलम। तो अब ये हमने एक कलम ले ली, कलम का मतलब है कि जैसे भाई हम किसी और दूसरे देश से या किसी राज्य से एक ऐसा प्लांट का तना काट के ले आए जो हाई क्वालिटी का था, तो आप उसको कलम बोलेंगे। अब ये इसमें फिक्स फिट होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, चलो मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, आप इसको तो काट दीजिए ऐसे 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 काट दिया। तो यदि आपको कलम को इस स्कंद में फिट करना है तो आपकी कलम की कटिंग ऐसी होनी चाहिए ना, देखो ऐसी होनी चाहिए ना, बिल्कुल, है ना। देखो कलम की तो कलम का अग्रसिरा तो ऐसा होना चाहिए ना, और स्कंद की कटिंग ऐसी होनी चाहिए, बताओ ये बिल्कुल अब इसमें फिक्स होगा कि नहीं होगा, हो गया ना। ये तो निम्न क्वालिटी के पौधे का तना था, ये हाई क्वालिटी का पौधा था, इसको कलम बोल रहे हैं, इसको स्कंद बोल रहे हैं। तो देखिए आपने इस पौधे को रोपा ही तो है, इस पर भाई रोप दिया ना, हाई क्वालिटी का पौधा निम्न क्वालिटी पौधे के ऊपर रोप तो दिया, तो हम इस विधि को रोपण बोलेंगे, है ना। इसको कस कर बांध देते, ठीक है। अब जब इसको कस के बांध देते हैं ना, तो धीरे धीरे इनके जाइलम और फ्लोएम ऊतक आपस में जुड़ जाते हैं, और अब इसको न्यूट्रिशन तो मिल ही रहा है ऑलरेडी, और ये जो प्लांट है जब अपनी कलिकाएं निकालेगा, एक पूरा प्लांट बनाएगा, तो हाई प्रोडक्शन देगा हमारे लिए, ठीक है। तो ये रोपण विधि है, तो ये है हमारा कृत्रिम कायिक जनन, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए तो ये फोर नॉलेज था, बोर्ड आपके बोर्ड क्लास में इसका कोई लेना देना नहीं है,
ठीक है, आपको केवल प्राकृतिक कायिक जनन के ही एग्जाम्पल याद करने हैं जो मैंने आपको बताए, वो भी एग्जाम्पल केवल, ठीक है, कि किसके द्वारा किस में जनन होता है, जैसे प्रकंद के द्वारा अदरक हल्दी, कंद के द्वारा आलू वगैरह, ऐसे याद करना था केवल, ठीक है भाई। चलिए तो ये आपका एक पार्ट कंप्लीट हो गया जिसको आप अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अलैंगिक जनन, ठीक है। तो अब हम अलैंगिक जनन जो है, एक बार मैं इसको आपको रिवाइज करा देता हूं बड़े बढ़िया तरीके से ना, आपको केवल फोकस करना है, आपको केवल फोकस करना है मेरे शब्दों पर, मेरी भाषा पर और मेरे क्वेश्चन पर केवल, ठीक है, बिल्कुल। चलिए सुनते जाना केवल आप, है ना, बहुत तरीके से हम इसका रिवाइज देखने वाले हैं। सुनो भाई, अलैंगिक जनन जो मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, मैं टॉपिक लिखूंगा और हेडिंग थ्योरी बोलूंगा ना। तो देखिए भाई, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है जीवन अवधि। मैं दोबारा से इसको कंप्लीटली रिवाइज करा रहा हूं, एक एक पॉइंट ध्यान से समझते चलना, थोड़ा तेज जरूर चलूंगा, ठीक है, है ना, समझो आप। पहला क्वेश्चन जीवन अवधि, जिसको आप लाइफ स्पान बोल के चलते हैं ना, परिभाषा पढ़े। देखिए, किसी भी जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को हम उस जीव की क्या कह के चलते हैं? जीवन अवधि कह के चलते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा फिनोमेना, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि भाई कोई जीव है, जब उसने जन्म लिया है, उसके जन्म से जब तक उसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती, तब तक का जो काल है उसका क्या है भैया? कौन सा काल है? जीवन अवधि। आत्मेश्वर जो काल होता है उसी को आप क्या बोलते हैं? जीवन अवधि बोलते हैं। तो ये परिभाषा आप सभी को याद है। यहां नोट मैंने आपको बताया था कि भाई एक कोशिकीय प्राणी ऐसे होते हैं जिनमें द्वि खंडन विधि के द्वारा जनन होता है, तो वे हमेशा कैसे होते हैं? अमर होते हैं, वो कभी मृत्यु प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। कृत्रिम मृत्यु तो उनकी भी हो जाती है, आप अमीबा को खुद मार सकते हैं, लेकिन प्रकृति में वो खुद अपने आप कभी भी नहीं मरता। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि एक कोशिकीय प्राणी कैसे होते हैं भाई, एक डेफिनेशन जिसका नाम था जनन, पर सॉरी, हाँ सॉरी, क्यों बोल रहा हूँ मैं सॉरी, है ना, जनन ही तो सही तो बोल रहा हूँ, हाँ जनन यानी कि रिप्रोडक्शन, ठीक है भाई। इंग्लिश में जनन को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो कितनी सिंपल सी इसकी परिभाषा है, देखो सुनिए, किसी भी जीव के द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है बताओ? जनन कहलाता है, है ना, बहुत सिंपल है ना, आप बोल सकते हैं ना जनन क्या है, कि जब कोई जीव अपने समान संतति उत्पन्न करे तो हम उसे क्या बोलते हैं? जनन बोलते हैं। तो जनन की एक डेफिनेशन आपको देखनी है। कुछ प्राणियों की जो जीवन अवधि है वो आप देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जनन हो गया, अब हमने इसके पढ़े भाई जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हमने देखा कि जो जनन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक अलैंगिक होता है और एक लैंगिक जनन होता है ना भाई। जो जीवों में जो जनन होता है वो कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है, एक अलैंगिक जनन और एक लैंगिक जनन, ठीक है। तो हम हमारे इस चैप्टर में अलैंगिक जनन को कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम इस पूरे को देखना यहाँ पर चाह रहे हैं, ठीक है। दोबारा से सुनिए भाई, अलैंगिक जनन, तो अलैंगिक जनन की डेफिनेशन की मैं बात करूँ तो आप सभी को पता है कि जनन की ऐसी विधि जिसमें न तो युग्मकों का निर्माण हो न ही युग्मकों का संलयन हो, ठीक है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन थी ना, कि ऐसा जनन जिसमें युग्मक निर्माण व युग्मक संलयन नहीं हो, हम उसे क्या बोल के चलते हैं? अलैंगिक जनन बोल के चलते हैं। क्या बोल के चलते हैं? अलैंगिक जनन बोल के चलते हैं। तो एक अलैंगिक जनन की डेफिनेशन हो गई। फिर मैंने आपको यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट बताया था, मैं इसको रफ कर दूं अलैंगिक जनन को ना, ठीक है भाई। देखिए, तो अलैंगिक जनन की डेफिनेशन तो क्लियर है कि ऐसा जनन जिसमें युग्मक निर्माण व युग्मक संलयन नहीं हो, तो हम उसे अलैंगिक जनन बोल के चलते हैं।
एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट नोट आपको यहां पे कराया था, ध्यान से सुनिए। नोट जो मैंने आपको कराया था उसमें एक शब्द था क्लोन। क्या था भाई? क्लोन। अब यहां से तीन क्वेश्चन समझना। मैं आपको बता दूं, मैंने देखा था तो 5 साल का जो पहले कोर्स था, 5-6 साल का, उसमें तीन बार यही क्वेश्चन पूछा गया है। तीन बार मतलब एक साल छोड़ के, कई 2 साल छोड़ के ना, ऐसे 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन तीनों बार 3 प्रकार का पूछा था, मतलब अलग अलग। ध्यान से सुनो, पहला क्वेश्चन, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संततियों को क्या कहा जाता है? ये पहले प्रकार का क्वेश्चन हो गया, तो आपका आंसर है क्लोन। क्या आंसर है? क्लोन। सेकंड क्वेश्चन, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संततियों को क्लोन कहा जाता है, 2 कारण बताइए। आगे मेरी बात समझ में, क्वेश्चन समझ में आ गया? तो कारण मैंने आपको नोट में लिखा रखा है कि अलैंगिक जनन से जो संतान उत्पन्न होती हैं वो आकार की दृष्टि से और आनुवांशिक दृष्टि से अपने मातृ जनक के कैसे होते हैं, समान होते हैं, तो इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्लोन। तो 2 कारण हो गए ना क्लोन बोलने के, एक तो उनकी आकार सेम है और एक उनके आनुवांशिक गुण सेम है, ठीक है, तो इसलिए इसको क्लोन कहा जाता है। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरे प्रकार का क्वेश्चन और सुनो, तीसरे प्रकार का क्वेश्चन ऐसे आया था कि आनुवांशिकी व आकार की दृष्टि से समान जीवों को क्या कहते हैं, तो भी क्लोन कहते हैं। क्लोन ही तो कहते हैं जो जीव आनुवांशिक और आकार की दृष्टि से समान होते हैं। तो जो मैंने क्वेश्चन 3 प्रकार के आपको इसी नोट से बोल के बताए ना, ये तीनों क्वेश्चन 3 बार आ चुके हैं। समझ में आ गई मेरी बात? मतलब 6 साल पहले कोर्स रहा था, शायद 5 या 6 साल रहा था, मैं कन्फर्म नहीं हूँ, तो 3 बार आप यूँ मान के चलो, जैसे 6 साल कोर्स रहा था तो उसमें 3 साल, 6 साल में से 3 साल क्वेश्चन यही बने थे, इसी लाइन से 1 नंबर का क्वेश्चन। आगे बात समझ में? हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट नोट जो मैंने आपके सामने लिखा था ना, समझ तो जाएंगे ना आप। क्यों भाई क्लोन क्यों बनते हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब भी अलैंगिक जनन होता है तो उसमें हमेशा समसूत्री विभाजन होता है, और जब लैंगिक जनन होता है तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। भाई अर्धसूत्री विभाजन से तो क्या है, जो गुणसूत्र है वो अलग अलग हो जाते हैं, और जिनमें लैंगिक जनन होता है उनमें अलग अलग प्राणियों के युग्मक मिलते हैं जिनके अलग अलग गुण होते हैं, इसलिए वो हो जाते हैं भिन्न। अब यहाँ तो प्राणी ही एक है, उसके पूरे के पूरे गुणसूत्र और जा रहे हैं क्योंकि समसूत्री विभाजन है, तो क्लोन बनता है। तो ये नोट आपको समझ में आ जाएगा, 3 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बना के चलने आपको ना। अब हम बात करते हैं इसकी विधियाँ की, तो भाई विधियों को एक बार दोबारा से आप देखते चलो। सबसे पहली जो विधि थी वो थी विखंडन। विखंडन को हम बोलते हैं फीजन, फीजन बोलते हैं विखंडन को। मैं सॉल्ट में चल रहा हूँ, आपको इंग्लिश नाम में यहाँ नहीं लिख रहा, पहले मैं आपको बता चुका हूँ, बोल के जरूर चलूँगा। तो अलैंगिक जनन की जो पहली विधि है उसको हम क्या बोलते हैं, विखंडन बोलते हैं। देखो क्या लिखना है आपको विखंडन में, कि जनन की इस विधि में जो जनक जीव होता है वो या तो 2 या 2 से अधिक समान आमाप की संततियों में विभक्त हो जाता है। अब ये 2 प्रकार का है, एक तो द्विखंडन और एक बहुखंडन, द्विखंडन और बहुखंडन, ठीक है भाई। द्विखंडन क्या है, जैसा कि मैं आपको बता दिया कि भाई इसमें जनक जीव जो है वो बराबर के 2 खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड नए जीव का निर्माण कर देता है, जैसे अमीबा। तो मैंने अमीबा का डायग्राम, जैसे ये मान लीजिए ये अमीबा है, ठीक है, ये अमीबा धीरे धीरे क्या करता है भैया, ऐसे इस प्रकार के 2 खंड बनाने लग जाता है और आगे चल के ये नए 2 जीवों में बदल जाता है। तो ये अमीबा में द्विविभाजन हो गया है ना, द्विविखंडन हो गया। अब मैं बात करूँ बहुविखंडन की, तो एक सिंपल सी डेफिनेशन तो ये कह रही है कि इस प्रकार के विभाजन में या इस प्रकार के जनन में जो जनक जीव होता है जो अनेक संततियों में बट जाता है, इसे आप बहुविखंडन कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल था प्लाज्मोडियम और एक एग्जाम्पल था अमीबा।
अब अमीबा वाली बात को जरा ध्यान से सुनो, जो मैंने आपको थ्योरी लिखाई है उसकी, है ना। सुनो मेरे, ध्यान सुनो। देखो, अमीबा की जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, जब तो वो द्विविखंडन विधि से जनन करता है, और जब इसके समय अनुकूल नहीं होता, मतलब जब इसकी कठिन परिस्थितियां आ जाती हैं, तो अमीबा पता है क्या करता है? अमीबा अपने पादावों को सिकोड़ कर, ऐसे इसने अपने कूटपाद सिकोड़ लिए और अपने ऊपर एक तीन लेयर का आवरण बनाता, तीन लेयर, एक त्रिस्तरीय आवरण क्या बना दिया इसने, एक त्रिस्तरीय आवरण बना दिया। त्रिस्तरीय, आप इस त्रिस्तरीय आवरण को बोलते हैं सिस्ट, यानी कि पुटी। क्या बोलते हैं? पुटी। ध्यान से सुनना, ये जो मैंने नोट में बात लिखाई थी ना बहुविखंडन में, पॉइंट जो लिख रहा है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। देखिए कि प्रतिकूल परिस्थिति में अमीबा अपने पादावों को संकुचित कर एक त्रिस्तरीय आवरण बनाता है, और इस संरचना को हम सिस्ट कहते हैं। तो एक बात मुझे बताओ, यहाँ तक की जो घटना है, आप इस घटना, पूरी घटना को आप पुटी भवन नहीं कह सकते क्या? बोलो भाई, इस संरचना को मैं पुटी कह रहा हूँ और पुटी के बनने की प्रक्रिया को पुटी भवन नहीं कह सकते क्या? तो ये पुटी भवन की क्रिया भी है। अब आगे मैंने लिखाया है कि जब इस अमीबा की अनुकूल परिस्थितियाँ आ जाती हैं, अनुकूल समय जब आ जाता है, तो ये अपनी, अच्छा, ये अपने अंदर क्या है, अपने केंद्र को विभाजित कर लेता है अमीबा, और अपने अंदर बहुत सारे अमीबा बना लेता है, छोटे छोटे अमीबा। ये जो पूरा जीव था, उसने प्रतिकूल परिस्थिति में पुटी बनाकर अपने आप को डिवाइड किया और अपने अंदर बहुत सारे नए अमीबा बना लिए। तो मैं इनको सूक्ष्म अमीबा कह सकता हूँ, जो बीजाणु जैसी संरचनाएं, कैसी संरचनाएं, बीजाणु जैसी। तो आपको लिखना है उसमें कि जब अमीबा की अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, तो ये आवरण फट जाता है या ये पुटी फट जाती है, और ये सूक्ष्म अमीबा इस पुटी से बाहर निकलने लग जाते हैं, और नए अमीबाओं का क्या करते हैं, ये निर्माण करते हैं। तो मैं इस घटना को बीजाणु जनन भी कह सकता हूँ। क्यों कह रहा हूँ मैं इसको बीजाणु जनन? क्योंकि मैं यहाँ पर सूक्ष्म अमीबाओं को बीजाणु कह के चल रहा हूँ। तो इसमें सूक्ष्म अमीबा निकल रहे हैं या बीजाणु निकल रहे हैं, तो मैं इस घटना को बीजाणु जनन भी कह सकता हूँ। आई बात समझ में? नहीं आई तो ये बहुविखंडन समझ में आ गया। इसमें प्लाज्मोडियम का भी डायग्राम है, प्लाज्मोडियम के बारे में मैंने आपको खूब सारा बताया था। अरे ठीक है, साफ कर दूं इसको। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई, है ना। विखंडन, द्विविखंडन, बहुविखंडन, और एक और है जो आपके सिलेबस में नहीं है, प्लाज्मोटोमी जिसको बोलते हैं। प्लाज्मोटोमी आपके सिलेबस का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी आप फोर नॉलेज के लिए समझ लिए ना, क्योंकि कई बार नीट वीट जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ जरूर ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, हाँ सुनिए भाई, प्लाज्मोटोमी मैं आपको बता दूं कि ये भी एक प्रकार की विखंडन विधि जैसी है, विखंडन विधि है जिसको हम प्लाज्मोटोमी कहते हैं। इसमें क्या होता है, अच्छा ये द्विखंडन में अमीबा वगैरह हो गया ना, हाँ बहुत हो गया। अच्छा प्लाज्माटोमी में क्या होता है, आप बात को जरा ध्यान सुनो। एक जीव है जिसका नाम है ओपेलाइना, क्या नाम है, ओपेलाइना। ओपेलाइना एक जीव है जो प्रोटिस्टा जगत का है, प्रोटिस्टा जगत का एक जीव है ओपेलाइना। ठीक है, इस ओपेलाइना में, इस ओपेलाइना का शरीर मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ध्यान से सुनना इस बात को। मतलब ओपेलाइना नाम का एक जीव है, इस जीव के शरीर में बहुत सारे केंद्रक ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, बिना विभाजन के पहले से ही इसके शरीर में हमेशा रहते हैं ना। तो ये अपने आप को कैसे विभाजित करता है, सुनिए। मान लीजिए इसमें तीन तीन छः और दो आठ केंद्रक बना रखे हैं, तो ये क्या करता है, जैसे एक खंड ये बन गया जिसमें तीन केंद्रक आ गए,
एक खंड ये बन गया जिसमें तीन केंद्रक आ गए और एक खंड ये बन गया जिसमें दो केंद्रक हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? यहाँ पे जो खंडन हो रहा है प्लाज्माटोमी जो विधि बोल रहे हैं, ये ओपेलाइना नाम के जीव में पाई जाती है। यह बहुकेंद्र की प्राणी है जिसमें पहले से ही बहुत सारे केंद्रक होते। अब इसने क्या किया, अपने आप को डिवाइड किया, तो देखो ये तीन जीव बन गए, तीन। अब इसमें कितने, तीन, इसमें तीन केंद्रक और इसमें दो केंद्रक। तो ऐसे इसने अपने आप को डिवाइड करके तीन जीवों में बना लिया। यहां पर ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं इसको प्लाज्माटोमी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि साइटोप्लाज्म का नाम आपने सुना है, प्रोटोप्लाज्म का नाम आपने सुना है, मतलब जीव द्रव्य। तो यह विखंडन की ऐसी विधि है जिसमें केवल प्रोटोप्लाज्म ही विखंडित हो रहा है। देखो केंद्रक का डिवाइडेशन तो नहीं हो रहा ना भाई, यहां पर केंद्रक थोड़ी टूट रहा है, यहां पर डायरेक्ट प्लाज्मा जो इसका सॉरी जीव द्रव्य है वो टूट गया और जीव द्रव्य से नए प्राणी बन गए तीन। ठीक है, नए प्राणी बन गए। अब ये क्या करेंगे, तीनों जो जीव बने अब ये खुद अपने केंद्रकों में विभाजन करेंगे और जो जनक जीव में आठ आठ केंद्रक थे आठ आठ केंद्रक बना लेंगे और नए ओपेलाइना बन जाएंगे, विकसित ओपेलाइना। ठीक है, तो ये प्लाज्माटोमी एक ऐसी विधि है जिसमें केवल प्रोटोप्लाज्म ही विखंडित होता है। ठीक है, तो ये बात हुई भाई हमारे विखंडन विधि की, है ना। विखंडन के बाद हमने पढ़ा मुकुलन, बडिंग जिसको बोलते हैं। अब ये बडिंग जो है वो दो प्रकार की होती है, मैंने आपको बताई, एक तो एक्सोजीनस और एक एंडोजीनस, है ना, बहिर्जात मुकुलन और अंतर्जात मुकुलन। अब मुकुलन क्या है कि इस विधि में कोई जो जनक जीव होता है उससे एक आउटग्रोथ निकलती है जिसे हम कलिका कहते हैं, और ये कलिका जब अपने जनक जीव से अलग हो जाती है तो हम उससे एक नया जीव बनता है, इसी को मुकुलन कहते हैं। लिखना तो आपको केवल इतना ही है, जो मैंने आपको नोट्स में लिखा है उसके एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे, एग्जाम्पल में आपके जैसे ईस्ट है, हाइड्रा है और स्पंज है, ये तीन एग्जाम्पल मैंने आपको बताए मुकुलन में। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, परिभाषा क्या हुई कि इस विधि में जनक जीव से एक अतिवृद्धि निकलती है जिसे हम कलिका कहते हैं, या अतिवृद्धि के कारण एक कलिका उत्पन्न होती है और वो कलिका अपने जनक जीव से अलग होकर नया जीवन यापन करती है। जैसे एक सिंपली मैं डायग्राम बना दूं कि भाई ये आपके सामने एक हाइड्रा है, हाइड्रा, इस हाइड्रा के शरीर से एक कलिका बनी, आउटग्रोथ, ये कलिका। अब धीरे धीरे क्या होती है भैया, ये जो कलिका है वो थोड़ी बड़ी होने लग जाती है, है ना, और एक निश्चित समय पर इस अपने जनक जीव को छोड़ देती है और एक नया जीव बना लेती है। बताओ बन गए नहीं बन गए दो, मतलब एक नया जीव बना कि नहीं बना। अब बना किससे है, कलिका से, तो ये मुकुलन विधि हो गई। ऐसे ही ईस्ट में देखी थी, ईस्ट में भी तो देखी थी मुकुलन। और अब मैं आपको बता दूं, सुनिए, कि हाइड्रा में और ईस्ट में तो होता है एक्सोजीनस बडिंग, यानी कि बहिर्जात मुकुलन। बहिर्जात क्यों, क्योंकि इनमें जो मुकुल है वो शरीर से कहाँ बन रहा है, बाहर बन रहा है, बॉडी से बाहर बन रहा है। ठीक है, शरीर से बाहर बन रहा है, इसलिए अब इसको एक्सोजीनस कहते हैं। एक एग्जाम्पल था स्पंज, है ना, और स्पंज में हमने बनाना है जेम्यूल। क्या बनाना है भाई, जेम्यूल। तो देखिए जेम्यूल कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, जेम्यूल कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, ये जेम्यूल है ना भाई, ये जेम्यूल है, ऐसा एक जेम्यूल है ये स्पंज का। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये आउट लेयर प्रैकोडर्म, ये इनर लेयर कोएनोडर्म, और ये इंपॉर्टेंट सेल है जिनको हम बोलते हैं आर्कियोसाइट। आर्कियोसाइट यहाँ पे होते हैं इसके कांटे, जो इनका कंकाल होता है जिसको आप स्पिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, तो स्पंज में ये स्पंज के अंदर की तरफ की संरचना है, तो ये मुकुल है, ये मुकुल है, मुकुल क्या है, ये मुकुल, जिनका नाम क्या है, जेम्यूल। क्या नाम है, जेम्यूल। तो आपको ऐसा कहना है
कि ईस्ट और हाइड्रा में तो कलिका नाम की संरचना से अलैंगिक जनन होता है, जबकि स्पंज में जैम्यूल नाम की संरचना से जनन होता है। और कौन सा प्रकार का मुकुलन होता है इसमें? एंडोजीनस, अंतर्जात, क्योंकि इसमें कलिका शरीर के अंदर बनती है। और ईस्ट और हाइड्रा में कौन सा है? एक्सोजीनस, यानी कि बाह्य मुकुलन। ठीक है, तो ये मुकुलन विधि कंप्लीट हो गई। मुकुलन के बाद हम पढ़ते हैं बीजाणु, क्या बीजाणुओं के द्वारा अलैंगिक जनन कैसे होता है। आपको केवल जो मैं बता रहा हूं वही आपको समझना। देखिए, इसमें दो प्रकार के एग्जाम्पल्स हैं, एक तो है क्लेमाइडोमोनास और एक है पेनिसिलियम। देखो, क्लेमाइडोमोनास तो एक एल्गी है, शैवाल है, और पेनिसिलियम एक फंजाई है, एक कवक है। तो क्लेमाइडोमोनास में तो जो जनन होता है वो चल बीजाणुओं से होता है। किन से होता है? चल बीजाणुओं से, जिनको बोलते हैं जू स्पोर। जबकि पेनिसिलियम में जो जनन होता है वो होता है कोनिडिया से, और जो कोनिडिया होते हैं ना वो अचल होते हैं। ध्यान सुनो, क्लेमाइडोमोना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए यही इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ। केवल आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा, आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि बीजाणु विधि को समझाइए, बिल्कुल कभी भी नहीं पूछा जाएगा। केवल आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्लेमाइडोमोनास की अलैंगिक जनन संरचना, तो आपका आंसर है चल बीजाणु या जूस्पोर्स। पेनिसिलियम की अलैंगिक जनन संरचना कोनिडिया, क्या बोलते हैं? कोनिडिया, जो कैसे हुए? अचल हुए, मतलब गति नहीं करते। जबकि क्लेमाइडोमोनास के बीजाणु कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं। केवल आपको इसमें इतना पढ़ना है, ठीक है? दो एग्जाम्पल्स आपको याद करने, बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है? बिल्कुल नॉर्मल है ये, है ना? एग्जाम्पल्स के मोस्ट है जो मैं आपको बताऊँ ना मोस्ट, आप तो बस बिल्कुल उसी प्रकार से पढ़ते चलो, ठीक है? हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है, है ना? कई बच्चे समझते हैं कि सर पता नहीं किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे। जो मैंने आपको बता दिया ना क्वेश्चन, जिस प्रकार का, एब्सोल्युटली आपको उसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है भाई? हाँ बिल्कुल 100% 100% ऐसे ही 100 मार्क्स नहीं आ जाते हैं। 100 में से 100 बायोलॉजी में नंबर लाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स के कई के आ चुके हैं। रीजन, नोट्स, नोट्स, समझ में आ गई मेरी बात? मेरे द्वारा बनाए गए जो नोट्स हैं ना, आप वास्तव में ही उनकी एक एक लाइन को पढ़ के चलना, एक एक लाइन में बहुत सटीक तरीके से बनाता हूँ, ठीक है? बहुत दिमाग लगा के बनाता हूँ मैं नोट्सों को, आप उनको हल्के मत लेना, मैं आपको से बता रहा हूँ, ठीक है भाई? बिल्कुल रियलिटी बता के चल रहा हूँ मैं, ठीक है? हाँ, तो ये बात समझ में आ गई मेरी। नेक्स्ट हम बात कर लें खंडन की। अच्छा, खंडन है ये भी बिल्कुल नॉर्मल विधि है। नॉर्मल विधि कैसे? इसमें भी कोई जीव जो होता है वो खंडों में बढ़ जाता है और उसके खंडों से अलग अलग जीव बन जाता है, बस इतना पढ़ना है। एग्जाम्पल याद रखो, रिक्सिया, मार्केंसिया, स्पायरोगायरा, जो ब्रायोफाइट प्लांट है, सेल स्पायरोगायरा शैवाल है, है ना? तो खंडन भी नॉर्मल है। उसके बाद एक है पुनरुद्भवन। क्या है? पुनरुद्भवन। तो पुनरुद्भवन को आप रीजनरेशन बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन सुनो, देखिए, कोई जीव यदि खंडों में विभाजित हो जाए या किसी भी जीव के खंड हो जाए, तो जो प्रत्येक खंड है वो नया जीव बना सकता है, या उसमें क्षमता होती है कि वो नया जीव बना दे, तो हम इसी को पुनरुद्भवन बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं। ये दो प्रकार का होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, एपिमॉर्फोसिस और मॉर्फोलैक्सिस। ध्यान से सुनो आप मेरी बात को, पुनरुद्भवन दो प्रकार का होता है, एक एपिमॉर्फोसिस और एक मॉर्फोलैक्सिस। नहीं, आपके सिलेबस का बिल्कुल भी ये पार्ट नहीं है, आपको केवल परिभाषा पढ़नी और एग्जांपल्स पढ़ना है, और कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन इसको भी समझ लीजिए आप। देखिए, पुनरुद्भवन दो प्रकार से होता है, एक एपिमॉर्फोसिस और एक मॉर्फोलैक्सिस। मतलब क्या है?
एपिमॉर्फोसिस तो वो घटना है जिसमें कोई जंतु केवल टूटे हुए टुकड़े को ही बनाता है। जैसे ये मैं आपके सामने एक स्टारफिश बना देता हूँ, ये स्टारफिश है, ठीक है, ध्यान से सुनना। और ये है आपके पास एक जीव जिसका नाम है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया दो जीव अलग अलग मैंने आपके सामने बनाए, इन दोनों में रीजनरेशन होता है ना, लेकिन अलग घटना कैसे, देखिए अगर मैं इसके इस खंड को काट दूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, अंतर समझना इन दोनों में। अगर मैं इस स्टारफिश के एक शाखा को काट दूं, एक खंड को काट दिया, ये मैंने खंड काट दिया ना, तो ये जो खंड है ना, टूटा हुआ खंड, ये नया जीव नहीं बना सकता। ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, ये टूटा हुआ खंड नया जीव नहीं बना सकता, लेकिन जो ये खंड टूट गया है उस स्थान पर नया खंड आ जाएगा। अब जैसे ये खंड टूट गया था ना, तो यहाँ तो नया खंड बन जाएगा, ये जीव बना लेगा, लेकिन जो टूटा हुआ खंड है ना, ये नया जीव नहीं बना सकता। ये अंतर है, तो हम इसको बोलते हैं एपिमॉर्फोसिस, मतलब जिसमें कोई जीव का टूटा हुआ खंड ही बने और जो टूट जाता है खंड वो नया जीव नहीं बना पाए, तो हम उसे एपिमॉर्फोसिस रीजनरेशन बोलते हैं। जबकि मॉर्फोलेक्सिस क्या है, ये प्लेन एरिया आपको दिख रहा है, अगर मैं इसके तीन टुकड़े कर दूं, ऐसे तीन भागों में बांट दिया, तो इसके तीनों जो टुकड़े हैं ऐसे तीन टुकड़े हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे ना, तो इसके जो तीनों टुकड़े हैं ना वो नया नया जीव बना लेंगे, ऐसे तीन नए प्लेन एरिया बना लेंगे तीनों टुकड़े। अब बताइए इसमें और इसमें कितना अंतर है रीजनरेशन है पुनरुद्भवन की घटना, लेकिन दोनों ही घटनाएं बिल्कुल अलग अलग है ना, है कि नहीं बताओ। तो अब इनको आपको अंतर नजर आया इसमें कि पुनरुद्भवन भी दो प्रकार का होता है, एक एपिमॉर्फोसिस और एक मॉर्फोलेक्सिस। एपिमॉर्फोसिस तो उसको बोलते हैं जिसमें टूटा हुआ खंड नया जीव नहीं बना सकता, लेकिन टूटा हुआ खंड बन जाता है, और यही घटना हम छिपकली में होती है, जिसको वॉल लिजार्ड कहते हैं, घरेलू छिपकली। एपिमॉर्फोसिस और मॉर्फोलेक्सिस जिसमें कोई जितने भी टुकड़ा हो जाएंगे हर टुकड़ा नया जीव बना देगा, तो ये रीजनरेशन है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। इसके बाद हम चलते हैं अपनी लास्ट विधि कायिक जनन पर, ठीक है भाई। तो कायिक जनन की मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी कि यदि आप, कायिक जनन क्या है, कायिक जनन की डेफिनेशन आपको मैंने बताई थी, यदि पौधे के जड़ से तना से या पत्ती से कोई नया प्लांट बन रहा है तो हम उसे कायिक जनन कहते हैं, ये बताया था। अब मैंने आपको कल एग्जाम विधियाँ इसकी बताई, दोबारा फिर सुन लीजिए। देखो यदि मैं जड़ की बात करूं तो जड़ से दो प्रकार की जड़ें, एक तो काष्ठीय पौधों की और एक होती है कंदमूल। तो काष्ठीय पौधों में तो नीम और शीशम आ गया और इसमें आ गया शकरकंद और डहेलिया पर आप शकरकंद लिखो। देखो कई बच्चे जैसे कह रहे सर ये नीम निवोरी से, भाई सुनिए मेरी बात सुनिए, नीम में शीशम में दोनों में लैंगिक जनन होता है क्योंकि इनमें बीज से नया प्लांट बनता है, लेकिन अधिक कई बार क्या होता है इनकी जड़ें अपने आप जमीन से बाहर निकलकर नया प्लांट बना देती हैं, केवल जड़ें। अगर आप नीम की जड़ को काटें खुद आप और उसको जमीन में बोएं तो नया प्लांट नहीं बनेगा, क्योंकि वो तो कृत्रिम कायिक जनन हो गया भाई, और मैं तो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ आपको भाई, हम प्राकृतिक कायिक जनन पर चल रहे हैं ना। हाँ गुलाब, गुलाब का तना काटो आप, उसे जमीन में बो, उससे नया प्लांट बनेगा, वो कृत्रिम में आता है। सेब चेरी उसकी जड़ को लीजिए, वो कृत्रिम में आता है, वो उग जाएंगी, लेकिन नीम की जड़ को आप उगाएंगे तो नहीं उगेगा प्लांट। बात समझ में आ गई, ऐसे बोल रहा था मैं आपसे ना, चलिए कोई बात नहीं, होता है कन्फ्यूजन होती है,
हाँ, मुझे रिप्ले करने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, ताकि जितनी भी हो सके आप सभी की हेल्प हो जाए और कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे ना, ये मेरा हमेशा से लक्ष्य रहता है। ठीक है, हाँ चलिए भाई, तो ये कायिक जनन की बात समझ में आ गई, जड़ से तना। अच्छा, जड़ में कंदमूल, कंदमूल का मतलब ये रूपांतरित जड़ है शकरकंद की। यदि हम खाने वाली शकरकंद को ही जमीन में बो देंगे तो उससे नया प्लांट बन जाता है। हालांकि शकरकंद बीज नहीं है, ये उस प्लांट की जड़ है, तो उस जड़ से ही यदि नया पौधा बन रहा है तो वो आएगा ही कायिक जनन में। ठीक है, हाँ तना। अब तने में हमने केवल, मैं आपको बता दूं, कई बच्चे कन्फ्यूज हो रहे हैं, सर आपने जो बताया है कि हम उसको पढ़ें, उसको लिखें या कैसे, तो मैं आपको बता दूं, सुनिए, मैंने जितना नोट्सों में लिखा है वो केवल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जिसमें आपको 100 में से 100 मार्क्स आएंगे। समझ रहे आप मेरी बात को? बोर्ड एग्जाम में किसी क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखें, वो सारी बातें मैंने नोट्स में बताई हैं। यहाँ तो मैं केवल आपको समझाने के लिए कई बार उसको फुल एक्सप्लेन करता हूँ, जो करना पड़ता है। ठीक है भाई, वो केवल यहाँ एक्सप्लेन के लिए, तभी तो मैंने आपसे मना किया था कि आप यहाँ से नोट्स मत उतारना। ठीक है, मैं खुद मेहनत करके आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, है ना भाई? हाँ, यहाँ तो केवल आपको समझना है। आप नोट्स अपने हाथ में ले लिया करें, जब भी आप वीडियो देखें नोट्सों को हाथ में ले लिया करें, मैं लाइन बोलता जाता हूँ, आप उसमें मिलाते हुए जाया करो, तब पढ़ा करो। ऐसे नहीं कि आपने नोट्स लिखे और उसको रख दिया, नहीं, नोट्स हाथ में होने चाहिए आपके, तब उनसे पढ़ा करो, तब अच्छा समझ में आता है। तो तने के कल ही बात किए थे, तो हमें केवल इनके एग्जाम्पल पढ़ने हैं। जैसे कंद का एग्जाम्पल आलू है, प्रकंद का एग्जाम्पल अदरक है, ठीक है भाई, घनकंद का एग्जाम्पल केसर है, अरवी है, जमीकंद है ना। सल्ककंद का एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको प्याज लहसुन बताया था, है ना। तो ये एग्जाम्पल ही याद करने केवल आपको। फिर मैंने बताया ऊपरी भूस्तारी, जिसका एग्जाम्पल दूब घास है ना। फिर मैंने आपको बताया कि भैया वो अंत भूस्तारी भी होता है, जिसका एग्जाम्पल पुदीना होता है, पुदीना है ना। फिर मैंने आपको बताया भूस्तारी का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसमें, जिसका नाम है जलकुंभी। और जलकुंभी से एक क्वेश्चन बताया था मैंने आपको कि इसे जलाशयों की विपत्ति या बंगाल का आतंक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इतनी तेज़ गति से फैल जाती है जलाशयों में कि वहाँ प्रकाश संश्लेषण को कम कर देती है और ऑक्सीजन को कम कर देती है, जिससे जलीय जीव पनप नहीं पाते, तो इसलिए इसे बंगाल के आतंक के नाम से भी जाना जाता है जलकुंभी को, है ना भाई। ऐसी भूस्तारी था जिसका स्ट्रॉबेरी, जिसको आप लीची बोलते हैं, ठीक है भाई। तो ये आपको पढ़ना था भाई, समझ में आ गई बात। ये भूमिगत तने हैं, ये अर्धवायवीय तने हैं, और एक है वायवीय तना। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, वायवीय तना कल आप कह रहे थे सर यहाँ दिख नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ उसको दोबारा बता देता हूँ। देखिए, ये है गन्ना, गन्ना का प्लांट ऐसे होता है, होता है ना गन्ने का प्लांट। तो इस गन्ने में आपने देखा होगा यहाँ पे ऐसे ब्रांचेज होती हैं, ऐसे इस स्टेम में होती है ना, है ना। तो ये जो गन्ना होता है ना, कई बार क्या करता है, जैसे यहाँ ब्रांच है तो यहाँ से ये जड़ें निकाल देगा, और जड़ें इसकी ज़मीन में धस जाती हैं, और यहाँ से ही एक नया प्लांट बन जाता है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ जो जड़ें निकल रही हैं वो कम्प्लीटली वायु में निकल रही हैं, हवा में निकल रही हैं, तो ये एरियल स्टेम का एग्जाम्पल है। केवल इतना पढ़ना है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, केवल फॉर नॉलेज। तो ये तने वाली बात आपकी समझ में आ गई, केवल आपको एग्जाम्पल्स इनके याद रखने हैं, ठीक है। हाँ, अब हम बात करें जैसे पत्तियों के द्वारा, तो पत्तियों में देखो, मैंने आपको केवल दो एग्जाम्पल बताए पत्तियों में। एक तो है ब्रायोफिल्लम, जिसको आप पत्थर चट्टा कहते हैं, और एक है बेगोनिया। ये एग्जाम्पल हैं, ये पौधों के नाम हैं, अंतर जरा ध्यान से सुनो। ब्रायोफिल्लम की तो ये पत्ती है ना, और ये मान के चलिए बेगोनिया की पत्ती है, बेगोनिया की। दोनों पत्तियों में डिफरेंट है,
ध्यान सुनो, जो ब्रायोफिल्लम पौधा होता है उसकी तो पत्तियों के किनारों से, जैसे ये पत्तियों के किनारे होते हैं यहाँ पर, तो इन किनारों से अपस्थानिक कलकाएं निकल आती हैं। लेकिन बेगोनिया में या तो ये कलकाएं पर्णग्रंथ से निकलेंगी, मैंने बताया था ना ये पर्णग्रंथ है, पेटियोल जिसको बोलते हैं, याद है आपको पेटियोल, सारी बातें आपको बताई थी मैंने, पर्णग्रंथ, ठीक है। तो या तो पर्णग्रंथ से निकलेंगी कलका या सिरा से, याद कीजिए मैंने जब आपको समानांतर सिराविन्यास और वो बताए थे, ये नहीं बताया था जालकावत और ये सिराविन्यास बताए थे ना, वेनेशन याद है ना आपको, हाँ रेटिकुलेट वेनेशन, और ये नहीं बताए थे क्या, हाँ बताए थे ना, तब आपको पता है ना ये सिरा और सिरिकाएँ होती हैं, तो या सिराओं की सतह से निकलाती हैं कलकाएँ, दोनों में अंतर देख लो। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल है जिनमें पत्तियों के द्वारा कायिक जनन होता है। एक लास्ट है जिसका नाम है जननांग, या मैं उसको पत्र प्रकलका या बुलविल्स भी कह सकता हूँ, पत्र प्रकलका, ठीक है। जननांग द्वारा कहो या पत्र प्रकलका द्वारा कहो या बुलविल्स के द्वारा कहो, देखो क्या होता है, एक प्लांट है अगेव, जैसे ये अगेव प्लांट है ना, तो इस प्लांट में यहाँ पर जैसे मान लीजिए फूल बनना था, ऐसे एक पुष्प, अब भाई आपको पता है पुष्प तो जननांग होता है प्लांट का, बताइए होता नहीं होता, फ्लावर जननांग होता है ना, जननांग है ना, लो बनना तो चाहिए था पुष्प, लेकिन इस पुष्प के स्थान पर, इस पुष्प के स्थान पर कुछ अलैंगिक जनन संरचनाएं बन जाती हैं, और इन अलैंगिक जनन संरचनाओं का नाम होता है बुलविल्स या पत्र प्रकलका, और ये पत्र प्रकलका जब जमीन पर गिर जाती हैं तो एक नए प्लांट अगेव का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पे जो जनन है वो जननांग के द्वारा हो रहा है, क्योंकि पुष्प वाले स्थान पे हो रहा है, ठीक है, तो ये जननांग वाला है। तो ये था हमारा अलैंगिक जनन, क्लियर। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, आप सभी बच्चे जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है आप उसमें लिख लेना, ये मेरे से रह गया था, रह क्या गया था, मैं इसको सोच रहा था पर मुझे बाद में पता चला कि मैंने नोट्सों में लिखा ही नहीं है, ठीक है। चलिए ध्यान सुनो, नोट लगा के आप लिख लीजिए, सभी बच्चे लिखने जिनके पास पीडीएफ है, नहीं सभी को लिखना है ना, लिखिए। कायिक जनन में एक ही जनक जीव भाग लेता है, कायिक जनन में एक ही जनक जीव भाग लेता है, अतः हाँ भाग लेता है, तथा इसकी संतति भी समान होती है, अतः इसे अलैंगिक जनन ही कहा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन जैसे ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसमें लिखा है कि कायिक जनन को अलैंगिक जनन क्यों कहते हैं, ठीक है, ये मैं आगे आपको लिखा था लैंगिक जनन जब करा था, जब इसको लिखा था मैं, पर आपको अब यही अलैंगिक जनन का क्वेश्चन है तो यही आपको करा दिया है, ठीक है, आगे नहीं लिखाएंगे इसको ना, लिख लीजिए। वो कहता है कि जो कायिक जनन है क्या वो अलैंगिक जनन है क्या, है ना, तो हमें क्या कहना है कि भाई जो अलैंगिक जनन होता है उसमें एक ही तो जनक भाग लेता है ना, और हमारे कायिक जनन में भी एक ही जनक भाग लेता है, तो इसकी संतान भी समान होती है, अलैंगिक जनन की भी संतान समान होती है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको भी हम अलैंगिक जनन कह सकते हैं, किसको, कायिक जनन को, तभी तो अलैंगिक जनन की विधियों में पड़ा है,
ठीक है भाई। तो ये भाई आपकी रिवाइज क्लास थी आज, ठीक है। ऐसे ही मैं जब कोई पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाया करेगा तो मैं ऐसे ही आपकी लास्ट में एक रिवाइज क्लास लिया करूँगा। बात समझ में आ गई? तो अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको ये सारे जो टॉपिक हैं जो अब तक हमने पढ़े हैं वो शायद सभी क्लियर हो गए होंगे, ठीक है भाई। तो आप बिल्कुल मन लगा के पढ़ते जाइए। यदि आपका कोई भी डाउट है तो मैं ऑलवेज तैयार हूँ, हमेशा ही तैयार रहता हूँ, आप सभी को पता है ना। बिजी रहते हैं हम सभी, बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने स्टूडेंट्स के लिए समय निकालते हैं, ठीक है भाई। तो आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है या कहीं भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो बेशक आप हमसे कभी भी कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान पढ़ाई पर लगा के रखो, है ना। हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। ओके, बाकी मिलते हैं कल।